सत श्री अकाल खाऊ दोस्तों, आज मैं हूँ खाऊ सिंह। मैं आज आया हूँ अपनी खाऊ वोटी नाल। जी हाँ, खान पंजाबी खाना, और वो किधर? मिस्टर सिंह दे तंदूरी हट विच। चलिए साडे नाल अंदर और आज मजा लांगे कुछ वधिया जे पंजाबी खाने दा, वोटी नाल भी ते तुहाडे नाल भी। आइए आओ जी, चलिए चलिए। क्या लग रही है आप? जी वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। आजा आजा, जल्दी बैठ जाओ। हाँ। बड़ी भूख लगी है। अरे वाह, मेनू कार्ड सामने ही है। पंजाबी खाना क्या बात है। अरे वाह, अरे एक मिनट, मैं कैसे देखूंगा? चश्मा तो चेंज करने दो और मारो स्टाइल। हाँ जी, अब दिख रहा है ना सब साफ साफ। ले आओ, पहले ही वेलकम हो गया जी। जी आया नो जी, यानी कि दिल से वेलकम है साडा। क्या बात है। हाय, मेनू तो चापा नजर आ गया ने। योर फेवरेट। और एक चाप नहीं, अलग अलग तरीके की चापे हैं यहाँ पर। ओए ओए, चाप मोमोज वाली गड्डी। अरे वाह, वो परांठे भी है क्या? ने परांठे वाली गली। हाँ जी। अरे सब्जियाँ, ग्रेवी श्रेवी, मतलब फ्रेंड्स, ये जो मेनू कार्ड देख कर ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना किसी पंजाबी की शादी हो रही है, और शादी में कम से कम कितने पकवान हो सकते हैं ना, वो सारे इनके पास हैं। एंड कुछ बातें इनकी मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको भी पता नहीं होगी। क्या? वो ये है कि जब आप यहाँ आए तो जरा इत्मीनान से आए, बैठो आराम से, लस्सी वस्सी पियो। अच्छा। ऑर्डर दो, फ्रेश खाना बनता है। ओके। कुछ भी प्री कुक्ड नहीं है। 20-25 मिनट लगेंगे, लेकिन खाना जब आएगा ना, और जो तुम्हारी चॉइसेस होती है ना। हाँ। मुझे ये तीखा कम चाहिए, मुझे तेल कम चाहिए, मुझे चीज नहीं चाहिए। हाँ। मुझे बटर नहीं चाहिए, बिल्कुल कस्टमाइज करके खिलाते हैं खाना। अरे वाह, ये तो मजा आ जाएगा। वाह ना, तभी तो कहते हैं सिंग इज किंग। मजा आ गया मेनू देख के। तो फ्रेंड्स, चलिए अब फटाफट खाना भी आ जाए, वैसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। कब होता है? अच्छा है ना, वैसे छोटा सा नहीं जगह यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, ऊपर भी एक सेक्शन है। अच्छा। अब ये नीचे का डेकोर तुम देख रही हो, दिस गिव्स अ फील ऑफ अ यू नो विलेज, या पिंड कहते हैं ना असली पंजाबी पिंड। तो ये लोग इसे बुलाते हैं पुराना पंजाब। अच्छा। और ऊपर का जो सेक्शन है वो है रंगला पंजाब, यानी कि पार्टियां, सेलिब्रेशन, करोके, बिग वाइट स्क्रीन टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अच्छा। मतलब और पार्टियों के लिए भी देते हैं, 30-40 पीपल की गैदरिंग हो, फर्स्ट क्लास बर्थडे, ये वो, फर्स्ट क्लास ऊपर आओ, पार्टी करो और पंजाबी खाने के मजे लो। तो मेरा बर्थडे यही कीजिएगा ना फिर? तो नॉन वेजिटेरियन से क्या होगा? तो उस दिन वेजिटेरियन खा लेंगे, कोई बात नहीं। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी खुशी, साडा की है, असी कभी भी खा सकते हैं, है ना। हाँ जी, शुरुआत करने का सामान आ गया। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। बताने बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, मुझे बस खाने दीजिए। खाओ दोस्तों को तो बताने, तो जो देख रहे हैं हम, आप बताइए मुझे, खाने दीजिए। अच्छा, खाओ दोस्तों, ये है सोया महारानी चाप। सही बोला ना, चापे कितनी पसंद है मुझे, पूछो मत। और ये है पनीर चिल्ली, बट ढाबा स्टाइल। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली है, ये ढाबा हो गया फेमस, और लोग इसे अंटी के ढाबे के नाम से भी जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, जो यहाँ की जो ओनर है, जो मालकिन है, जो खाना भी बनाती है, और जो बहुत ही मजेदार लेडी है, उसे मैं आपको मिलाऊंगा। बस सब लोग जो भी आते हैं ना यहाँ पे, आंटी किधर है, आंटी किधर है, आंटी के हाथ का खाना खिलाओ, आंटी के हाथ का खाना खिलाओ। तो नाम पड़ गया आंटी का ढाबा। तो चलो, आंटी का टेस्ट करते हैं। खाने वाले हम तो हाथ से खाएंगे, मजा नहीं आएगा ढाबे में हाथ से खाना। जी सही बात, मतलब जब तक उंगली नहीं चाटे मजा नहीं आएगा। पनीर मुंह में बस खाना जाएगा, कुछ बोला नहीं जाएगा ये खाने के बाद। बहुत ही बढ़िया ऐसा स्वाद, उफ, ढाबा स्टाइल, ढाबा फ्लेवर मिला है खाने में। क्यों, क्या की कहती हो, है ना? बस आंखें बंद करो और खाना एंजॉय करो, ऐसी स्टेज है ये। तो तुमने क्या लिया? महारानी चाप है ना, महारानी चाप, सोया महारानी चाप। अभी तुम ना इस खाने की जरा भी टेंशन मत लो, जितना चाहिए पेट भर के खाओ। पूछो क्यों, मोटी होती हो तो होने दो। और अरे मोटी नहीं होगी, इसमें ना सोडा है, ना इसमें पाम ऑयल है, बिल्कुल होममेड प्रिपरेशंस हैं, बिल्कुल रियली। मैं सच बता रही हूँ, मुझे टेंशन फ्री कर दिया। मैं जहाँ जाती हूँ ना बाहर खाना खाने, बैक ऑफ द माइंड मेरी टेंशन चलती रहती है यार, पाम ऑयल पड़ा होगा, सोडा पड़ा होगा, खाती हूँ लेकिन मन में ये टेंशन रहती है। आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया, खा सकती हूँ आराम से। ना लता, हम लोगों ने कई जगह सोया चाप खाई है, लेकिन दिस इज सो डिफरेंट। मसाला घुसा हुआ है ना अंदर तक, घुसा हुआ है, उसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत कमाल का है, जबरदस्त है एकदम। देखा, तभी मंगाई मैंने महारानी सोया चाप अपनी महारानी के लिए। खाओ खाओ,
वाह जी वाह, मजा आ गया। नाउ यू ट्राई दिस। नहीं अब करूंगी, ये खत्म हो जाए। ये हैं सोया नगेट्स, और जानती हो इन नगेट्स को और क्या बोलते हैं? इनका नाम बच्चों को पसंद आते हैं ना नगेट्स। और बच्चे क्या होते हैं? शैतान होते हैं। और क्या? अरे नटखट। अच्छा, इनका नाम है नटखट नगेट्स। क्या बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तुम तो सारा दिन बच्चों को शैतान ही बोलते हो। बच्चे शैतान करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? ये सोया के लग रहे हैं। बिल्कुल सोया के ही हैं, सोया नटखट नगेट्स। हाउ नटखटी दे आर, वेरी नटखटी। यू विल लव इट बिकॉज़ आई एम अ बच्चा। एक्चुअली नटखट बच्चे आप भी हो ना। चटनी के नाल नटखट नगेट्स आ गए। क्या चीज है यार, सॉफ्ट और इतने अंदर से। ओए होए होए, मतलब सोया इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है और बाहर से क्रंची, नहीं तो वो फील आता है ना। हाँ मैं तो पनीर चिली खा चुका हूँ, तुमको दूँ? प्लीज। डैम गुड, बहुत ही वधिया है। अच्छे पंजाबी बोलनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा साइड डिश पायो। और की चाहिए? कैप्सिकम तुम्हारे पसंद है, लाल ते पीले, शिमला मिर्चा। धीरे से क्यों बोल दियो पनीर दे दो, बिंदास बोलो जोर से, कोई बात नहीं लोग सुन रहे हैं तो। नहीं नहीं, चाहिए तो चाहिए। शर्मा शर्मा के बोल रही है। मैं तो पहले ही कह दिया था कि आज तो मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके खा सकती हूं, क्योंकि गिल्ट फ्री ईटिंग जैसा है। ऑयल भी अच्छा इस्तेमाल हुआ हुआ है, और सोया भी नहीं, वो भी नहीं है, सोडा भी नहीं है। हां जी, है की है ड्रमस्टिक, है भी सोया दी, ठीक है ना, मतलब हेल्दी। सो यू कांट टेल मी दैट मैं व्लॉग बनाता हूं, मैं अनहेल्दी खाता हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी खाता हूं, बिल्कुल हेल्दी। भाई जीने दी चटनी, ये है मेरे मूछ। मैं रंजब अमेज सरप्राइज शॉक्ड कि इन्होंने ये चीजें क्रिएट कैसे की हैं। सच में कह रहा हूँ, इसमें बहुत ही ज्यादा कारीगरी है। अच्छा, और मैं डेफिनेटली उस कारीगर से खुद भी मिलना चाहूंगा और आपको भी मिलाना चाहूंगा। जस्ट वेट, You can't go without meeting this कारीगर। जबरदस्त है, अब मजा और आने वाला है। ये देखो, ये क्या? फूड की भी हद होती है। आप बोल रहे थे कि नॉनवेज नहीं है यहाँ पे, आप नॉनवेज जगह लेके आए हो मुझे। तुमने इसको खाया? ये तुम क्यों नॉनवेज? मैं क्यों खाऊंगी नॉनवेज? नॉनवेज क्यों लग रहा है तुमको? फिश है और क्या? यही तो मिस्ट्री है, यही तो सस्पेंस है। ये है सोया रानी चाप, टोटली सोया बेस्ड। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, मैं जब इसको उठाऊंगा, ये आती अच्छा? है ना मेरी प्लेट में, लग रही है मछली, जलबिन मछली, लेकिन बिल्कुल नहीं है, टोटली वेज एंड सोया बेस्ड। अच्छा, मैं खा के भी अभी आप देखो, सच्ची बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं आप? इसकी स्टफिंग देखो, स्टफिंग। अरे ये देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अब ये क्या है? तो यही तो क्रिएशन है। वाह, कैसी लग रही है? शक्ल से तो आप लग रहे हैं मंत्रमुग्ध हो गए एकदम खा के। वाओ, मेरे को ना लगता है ये आंटी का ढाबा, यानी कि मिस्टर सिंह दी तंदूरी हट, दे विल कन्वर्ट मी इनटू अ वेजिटेरियन। हाँ प्लीज हो जाओ, मैं तो खुश हो जाऊंगी बिल्कुल। और क्या, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम मुझे हफ्ते में 3-4 बार यहाँ ले आओ ना, तो मैं खुशी खुशी बैठूंगा। रोज भी आऊंगी, चलो। बहुत तेरी वाह, सरदार खुश, मजा आया। खा के देखो ना, बहुत जबरदस्त है। अरे मैं पीस तोड़ के देखता हूँ, मछली जैसी लगती है, मछली है थोड़ी फिर भी। चलो कोई बात नहीं, वाह जी वाह। अब ना समय आ गया, सारी कारीगरी देख ली, अब मिलते हैं द क्रिएटर। प्लीज मिलाओ यार, प्लीज मिलना है। दोस्तों बस सस्पेंस खुलने वाला है, तो खाओ दोस्तों। आ गया वो समय, आ गई वो घड़ी, और ये आ गई हमारे साथ कारीगर जी, यानी कि हमारी सबकी आंटी जी। ये जो आंटी का ढाबा पड़ा है ना नाम, ये इनकी वजह से पड़ा है, क्योंकि सारे जो भी यहाँ पर आते हैं इन्हें प्यार से आंटी आंटी कहते हैं, चाहे वो 25 साल का लड़का हो या 75 साल का बूढ़ा। नहीं, बूढ़ा भी नहीं कह सकते ना, 75 साल का जवान। तो ये फेमस, और आप तो पहचान ही गए होंगे वैसे, 2013 केबीसी सीजन 6 कौन जीता था जैकपॉट? सनमीत कौर, यस शी इज द वन। और हम लकी हैं कि ये आज हमारे साथ बैठी हैं। अब सनमीत जी, कहाँ केबीसी जी, और कहाँ ये मिस्टर सिंह दी तंदूरी हट जी, ये सफर जरा बताइए मुझे, ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि आप ये, और ये जो खाना आपने जो वेरिएशंस किए हैं खाने के अंदर, मैजिक जादू किया है, इस सब के बारे में बताइए थोड़ा। सर केबीसी मेरा एक अलग चीज थी, और ये टोटली लाइन मेरी एकदम अलग है, ये मेरा पैशन है।
अच्छा। मुझे खिलाने का बहुत शौक है। अच्छा। जब बच्चे छोटे होते थे अगर मैं उनको किसी चीज पे नाराज होती थी बस उनका एक ही डर, मम्मा भूख लगी है ये बना दो। अच्छा, अब नाराजगी में भी खुश हो जाती थी? जी हाँ, नाराजगी में भी मुझे मनाने का तरीका एक कुकिंग होता था। अरे वाह। जी हाँ। तो ये जब नाराज होती है ना 3 दिन तक खाना नहीं मिलता। हर एक का अपना अपना शौक। कोई शॉपिंग जाकर खुश होते हैं, कोई किचन में घुसकर खुश होते हैं। तो आप किचन में जाकर खुश होती हैं? मैं किचन। बट ये जो अभी हमने स्टार्टर खाए हैं ये किसी नॉर्मल कुक के नहीं लगते, मुझे तो लगता है आप ट्रेंड शेफ हैं। सर ट्रेंड शेफ तो नहीं, मतलब ये है कि प्यार से बनाती हूँ मैं। अच्छा। जो भी चीज बनाती हूँ बस ये होता है कि प्यार और भगवान का नाम लेकर बनाती हूँ। ओके। सो हमारे जो आपने आज सोया चाप्स खाए हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ उसमें कोई मैदा नहीं है। और खुश। हाँ जी। वी डोंट यूज पाम ऑयल, कैश्यू पेस्ट नहीं डलती हमारे किधर भी खाने पे, और सोडा नहीं डलता। आपको जो भी यहाँ पे खाना मिलता है एक तो फ्रेश बनता है, प्री कुक नहीं है। कोई भी चाप आप ऑर्डर करते हो तो वो आपको थोड़ा टाइम लेकर ही मिलता है, जो हमने अपने मेन्यू में भी मेंशन किया है। अच्छा। खाना आपको मिलेगा 20 से 25 मिनट का, इंतजार कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है। और इसलिए हमने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में गेम्स भी रखी हुई है। ओके। कैरियोके, जब तक खाना बन रहा है आप लोग अपना एंजॉय करो, फैमिली टाइम। ये जो ऊपर का सेक्शन है उसमें रखा हुआ है। जी हाँ जी हाँ। मतलब आइए फैमिली के साथ, अगर बच्चे बोर हो रहे हैं, खाने में टाइम लग रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, अरे जल्दी करो जल्दी करो, इम्पेशेंट होते हैं। तो यहाँ पर उन इम्पेशेंट लोगों के लिए पूरा इंतजाम है, टाइम पास फुल ऑन है। जी हाँ जी हाँ, नो मोबाइल्स ओनली गेम्स। ओह वाओ, आते पालिया। सो एंड अ फ्यू थिंग्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी हाँ। ये जो टेक्सचर आया हमको जो खाने में स्टार्टर्स में, अभी वैसे मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ, ये तो वेजिटेरियन है अभी, तो मैं मटन चिकन सब खाता हूँ। ये जो नगेट्स वगैरह मैं खा रहा था ना, उनका जो टेक्सचर है, मतलब इट इज सो क्लोज टू हैविंग नॉन वेजिटेरियन डिशेस बट टोटली वेजिटेरियन। जी हाँ। दिस इज मैजिक। ये कैसे सर? मॉक मीट को बोला ही जाता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन वेज। हाँ, मॉक मीट। सो हमारी जो मॉक मीट में बनती है उसमें हम कुछ किसी चीज में पी प्रोटीन्स भी डालते हैं। ओके। और ये बनता है हमारी उधर फैक्ट्री में, दिल्ली में फैक्ट्री है। अच्छा। जिनकी अच्छा। हमने फ्रेंचाइजी ली हुई है मिस्टर सिंह तंदूरी हट की फरीदाबाद से। अच्छा। तो सारा माल वहीं से बनकर आता है, पर प्योर वेज। किसी में हमने अनियंस का वो डाला हुआ है, किसी में गार्लिक फ्लेवर दिया हुआ है, जिससे वो आपको नॉन वेज के फ्लेवर्स एनहांस करता है। और अगर कोई जैन आ गए तो उनके लिए अलग चापे हैं, वो हम क्लियरली पहले बता देते हैं कि आप ये वाली चाप नहीं खा सकते क्योंकि इसमें गार्लिक पाउडर है, इसमें अनियन पाउडर है। उनके लिए अलग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो पहला रूल यही है कि ईमानदारी से और प्यार से काम करना है। और वो प्यार और वो ईमानदारी आपके खाने में झलकता है। जी हाँ। लेकिन वो थोड़ा अधूरा है, खाना भी बाकी है। खाना अभी बाकी अभी है। तो स्टार्टर खाए हैं। अभी मैं आपके लिए पंजाबी गर्मा गर्म खाना भिजवा रही हूँ। दाल मखनी खिलाएंगे अब आपको हम अपनी। वाह जी। तो ये भी आज से हमारी होगी है प्यारी आंटी, बोल सकता हूँ चलेगा? जगत आंटी होगी। जगत आंटी हो गई है। ये कहती है मैं प्यार से बुलाओ सनी। तो सनी, लेट्स हैव सम फूड। यस। वेट। थैंक यू। वाओ, ग्रेट लेडी। तो दोस्तों ये होती है इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ये होती है मेहनत, ये होती है हार्डवर्क, ये होती है सिंसियरिटी। दिल से कोई काम करो, ईमानदारी से काम करो तो वो काम आपका ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, प्रूव कर दिया। हाँ जी, तो खाओ दोस्तों, साढ़े वास्ते आ गया मेन कोर्स। दसो जी की है क्या साढ़े वास्ते? शुरुआत करते हैं कैंट सोया रोगन चाप से। कैंट? जैसी तुम कैंट लग रही हो आज। कुछ भी दोस्तों, जब हम कॉलेज में कोई भी खूबसूरत लड़की देखते थे ना तो हम हमेशा जो पंजाबी मुंडे होते थे वो कहते हैं कि कैंट कुड़ी है, जैसे ये कैंट सोया रोगन चाप है। अरे भड़ूरा आया था तो फूला था, अभी कैसे पिचक गया? सबूत मिल गया, इसमें सोडा नहीं है। सोडे वाले भटूरे फूले फूले रहते हैं काफी देर तक, लेकिन इसमें सोडा बिल्कुल नहीं है, इसलिए बेचारा आराम से बैठ गया। फूले रहते हैं और पेट फुला देते हैं हमारा बाद में। और ना लेंगे साढ़े वास्ते ऐ दाल मखनी। डाल दो पहले, मुझे धुआं निकल रहा है। वाह जी वाह, धुआं निकल रहा है गर्मा गर्म। लो मैं तुमको प्लेट सर्व करता हूँ। प्लीज, ये आ गई दाल। आपने पहले खाई तो मैं नजर लगा दूंगी। वो दाल की कहते हैं निभे नाल, सही है पंजाबी। अच्छा, कुछ है। चलो और क्या सर्व करूँ? अपना कैंट। कैंट कैंट आओ जी, थोड़ा जया, बिल्कुल ज्यादा नहीं जी, पहले थोड़ा जया। कैंट सोया रोगन चाप, बस मैं भी ले लूंगा। हां जी। हां भाई, इसकी तो शक्ल एकदम मटन जैसी है यार। हां तभी तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वेज खाना है पूरा। जी हां, तभी तो मैं कह रहा हूं मैं जल्दी-जल्दी वेज में कन्वर्ट होने वाला हूं, बार-बार आऊंगा आंटी के ढाबे में।
और नाल में है लच्छा पराठा, अमृतसरी कुलचा। कुलचा तो जरूर खाएंगे। ये भी तो लूं। ये देखो, ये है पनीर बटर मसाला, बटर पाके उत्ते यानी कि ऊपर। बटर मैं ले लूं सारा? हाँ। तुम तो जरा अवॉइड करोगी ना? नहीं, है भी वाइट बटर। ओ तेरी, ले जी तुसी भी लो। बड़ा क्यूट सी ये है ना सर्विंग डिश। और एक बात तुमने नोटिस की, सारे बर्तन इधर स्टील के हैं। यही तो मजा आता है, जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा, पूरे ढाबे की थाली में जो मजा आता है ना, वो मजा है नहीं कहीं पे एक्चुअली। सच्ची बात यही, हमारे जो एक्चुअल खाने की दाल ले लूं, छोला भटूरा बाद में टेस्ट करेंगे। अरे सब करेंगे, पहले मैं ये कंप्लीट तो कर लूं, ये काम काम बहुत है आज। क्या लोगी, पराठा लोगी, कुलचा लोगी? कुलचा लूंगी, थोड़ा प्याज व्याज दीजिए। लीजिए, थैंक यू, बड़ी सेवा करा रही हो आज। चलो शुरू करता हूँ मैं आज छोले भटूरे नाल, क्योंकि ये गरम गरम ही खाने में मजा आएगा। हाँ हाँ, गरम है, बैठ गया लेकिन गरम है। और साथ में लिए जाएंगे इसके छोले। छोलों का कलर भी कितना अलग है ना, नॉट द यूजुअल ब्लैक वंस जो मिलते हैं, बड़ा ही अलग है। चलो एक बाइट मैं भी यही ले लेती हूँ, आपकी शुरुआत कर दी तो। मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज खाएंगे ना, बस वही खाते जाएंगे। नहीं, खाना बहुत कुछ है, सही कहा कि नहीं मैंने? अभी ये स्मोक फ्लेवर है ना, बड़ा अच्छा। अभी इसको ना छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो खाऊंगा भाई, खाओ खाओ, बाकी चीजें खाओ। मैं ले लेती हूँ कुलचा। कमाल, कुलचा लो। आहा, मैं लेता हूँ थोड़ा लच्छा पराठा। अद्धा लवांगा पहले। हाँ जी भाई, आ जा। क्या खा रही हो? कुलचा, स्टफ्ड कुलचा है ये। आलू और प्याज का स्टफ्ड कुलचा है ना? सबसे पहले तो काली दाल ही खा लूं, दाल मखनी देके तो खुशी से खा रही हो तुम सारा खाना, चाहे मक्खन पड़ा हो चाहे कुछ पड़ा हो। गिल्ट फ्री ईटिंग है ना, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कुछ गलत चीज नहीं पड़ी है, ऑयल वगैरह भी अच्छा है, नो सोडा। दैट इज अमेजिंग, सो मच लाइक होम। घर वापस नहीं जाना, यहीं रुकना है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं आ जाऊंगा दिन में तीन बार खाना खाने के लिए। ठीक है। अरे हम कैंट चीज, जिसका नाम ही इतना कैंट है। नाम ही कैंट है। ओहो, टेक्सचर देखो इसका, माल है। आपको तो ये इतना पसंद आएगा ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है, मान दो भाई। आजा जी, आप तो फिदा हो जाओगे इस डिश पे। भून भून के मसाला बनाया हुआ है। वो माय गुडनेस, इट्स टू गुड। और हाँ, ये बात एक है कि क्योंकि मैंने पहले, मैं कन्वर्टेड वेजिटेरियन हूँ, मैंने नॉनवेज खाया हुआ है, वेरी क्लोज टू नॉनवेज, और जो लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट जगह है एक्चुअली। बहुत ही जबरदस्त है मसाला, एकदम जैसे हम घर में मटन शटन बनाते हैं, भून भून के बनाते हैं, गरम मसाले पड़े हुए, अदरक लहसुन प्याज, बिल्कुल वैसा है। और एकदम स्लो फायर कुकिंग लग रही है मुझे ये, क्योंकि हर चीज का टेस्ट इतना फ्रेश है, घुसा हुआ अंदर तक। बस्टिंग ऑफ फ्लेवर्स बोलते हैं ना जिससे, वो ये है एक्सप्लोजन। कमाल दिखा दे जी, सच्ची में कैंट है। नाउ आई मीटिंग योर फेवरेट। वो खा भी चुकी, मुझे बताया भी नहीं। ये देखा, ये हो रहा काम, ये मैं खा रहा हूँ पनीर बटर मसाला। अगेन, हर रेस्टोरेंट में ये पनीर बटर मसाला मिलता है, मेनू में हमेशा होता है। तो जिसको भी पंजाबी डिश मंगानी होती है, एक तो दाल मखनी या पनीर बटर मसाला आता ही आता है, बट लेट्स सी हाउ डिफरेंट दिस पनीर बटर मसाला है। यस, पंजाब का लग रहा है, वेरी डिफरेंट। पनीर मेल्टिंग इन द माउथ, सॉफ्ट, मसाले जरा भी ओवरपावरिंग नहीं है, बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस ग्रेवी है, डेफिनेटली फॉर किड्स। और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, कई जगह पे बहुत ज्यादा मीठा होता है ये। हाँ। तो वो मीठा नहीं है वैसा, चीनी का ऐसा फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बच्चे विल लव इट, बिकॉज़ बच्चों को ना ज्यादा स्पाइसी खाना, ज्यादा ऑयली खाना, सारा खाना स्पाइसी वैसा नहीं है बिल्कुल भी, और ऑयली भी बिल्कुल नहीं है। देखो ना, कहीं पे भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, एकदम एप्ट जो भी चीज है ना डाली गई है। और मलाई मक्खन वगैरह है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर कुलचा? आधा खा चुकी हो, एक वर्ड नहीं बोला उसकी तारीफ में। खाने में इतनी बिजी हूँ। अच्छा, इतना लगा कि बोलती बंद कर दी कुलचे ने तुम्हारी, ऐसी लग रहा है मेरे को तो। एक्चुअली ये ओरिजिनल कुलचा है, क्योंकि कुलचे बॉम्बे में कई तरह के मिलते हैं, और कई तो ब्रेड वाले भी होते हैं। ब्रेड वाले कुलचे जो रेडियो में रस्ते में छोले वाले बेचते रहते हैं कुलचे छोले के नाम से, ये अलग है। ये तंदूर में बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, मसाला स्टफिंग के साथ, एक्चुअली मतलब बिल्कुल बहुत टेस्टी है। आप खा के ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करोगे, हमें खाने दो, आप डिस्क्राइब करो।
मैं तो ना अभी क्या खाऊं क्या ना खाऊं वैसे वाली मेरी हालत हो गई है। सेम है। ईद बचेगा ना पैक करा के ले जाएंगे। अच्छा ठीक है बचेगा तब ना। चलिए दोस्तों अब मैं खाता हूँ ये अमृतसरी कुलचा। हाँ मक्खन लगा हुआ है ऊपर, इसको जरा फैलाया जाए ऐसे। ये तो तरीका जी। When in Punjab, live like Punjabis. क्या बात है। आओ जी पहले कुलचा ऐसा ही खाया जाए। आओ दोस्तों है ना कहना मैं एक ही गल मतलब एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तंदूरी कुलचा इस टाइप का सूखे मसाले पड़े हुए हैं उसके अंदर। धनिया जो होता है ना सूखा धनिया वो भी मुंह में आ रहा है। अगर आपको दिखे तो नहीं दिखे बट ऑल ड्राई स्पाइसेस आर पुट इनटू दिस। आलू प्याज तो है ही, कमाल की स्टफिंग है, जीरा भी दिख रहा है मेरे को एंड सॉफ्ट नाइस एंड दाल के साथ खाया जाए। ये यम्मी चकते पट्टे हाँ जी। इतनी बिजी है खाने में, इतनी बिजी है, आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। कहती है मेरे शॉट लेते रहो, मैं खाने से रुकूंगी नहीं, मैं खाती जाऊंगी। वाह आई विल नॉट स्टॉप फॉर एनीबडी बट ओनली फॉर कुलचा। ये देखिए इतना खा लिया कि यहीं सो गए, लेकिन कुंभकर्ण को कैसे जगाया जाता था ऐसे। गुलाब जामुन के परौंठे आए हैं। ओ तेरी गुलाब जामुन के परौंठे आ गए ने। परौंठे वो भी गुलाब जामुन के। हाँ जी आलू के परांठे खाए, गोभी के परांठे खाए, मूली के परांठे खाए, पनीर के परांठे खाए, गुलाब जामुन का परांठा। ओ माय गॉड पहली बारी। आओ जी आ। पर यहां सो नहीं जाना लेकिन इसके बाद। ओए होए वाह मैं नहीं बिलीव कर पा रहा हूं। बाइट खिलाओ जरा। ले लो ना अपना एक बाइट इसमें दे ले। पेट भर गया मेरा थोड़ा। खाओ एकदम पंजाबियों की तरह। हां नींद भगा दी मेरी इस परांठे ने। बताओ अब व्हाट अ सरप्राइज। मीठे में कुल्फियां आइसक्रीम है बहुत कुछ खाया, गुलाब जामुन वो भी पराठे के अंदर। एग्जैक्टली हो गया ना कमाल। तंदूरी हट जिंदाबाद। ओए वाह जी वाह सरदार आज खुश हो गया वाकई। और सरदारनी तुसी आहा पूछो ही नहीं पूछो ही नहीं नहीं पूछूंगा। चलो खाओ ना फिश मारेंगे ना कुकड़, वेजिटेरियन खाने में स्वाद आपको देंगे धाकड़। हाँ दोस्तों बिल्कुल ही धाकड़ स्वाद मिला आज हमें मिस्टर सिंह तंदूरी हट में आकर। तो अगेन मैं आपको बोलता हूँ मिस मत कीजिएगा कोई भी चांस यहाँ पर आने का और यहाँ पर खाने का। इसके सारे गूगल लिंक, इसका एड्रेस, इसका डिस्क्रिप्शन मैं सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉलो द लिंक एंड कम हियर, तब आपको पता चलेगा कि तंदूरी हट क्यों है। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।